जहाँ उसान गोड़ा गुरु लो पाथा, तोतू पोला कंदा और वरिया पोला नाम के चार हवाई अड्डे मिले हैं। रामायण अनुसंधान टीम का मानना है कि रावण अपने पुष्पक विमान यहीं पर रखता था और यहीं से उड़ाता था। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, राम जी के भव्य स्वागत की तैयारी जोरों शोरों पर है। ये तारीख कोई आम तारीख नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत ही खास महत्व छिपा है। आखिर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी का समय ही क्यों चुना गया? इसके पीछे का रहस्य जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। त्रेता युग में प्रभु श्री राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। 22 जनवरी सोमवार के दिन मृग शीश नक्षत्र में अभिजीत मुहूर्त का संयोग बन रहा है। यही कारण है कि इस तिथि को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया है। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि इस शुभ मुहूर्त में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा करने से प्रभु श्री राम सदैव मूर्ति के अंदर विराजमान रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे अलग अलग प्रजाति के नाग अचानक ही अयोध्या में प्रकट हो रहे हैं, जो कि अयोध्या वासियों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। लेकिन गिद्धों का और भालुओं का संबंध तो प्रभु श्री राम से बताया जाता है। उन्होंने रामायण में उनकी सहायता भी की थी, लेकिन इन नागों का श्री राम के साथ क्या संबंध है? आज की इस वीडियो में इस रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें दो प्रजाति के नाग अलग अलग क्षेत्र में बार बार निकल रहे हैं, जिनका संबंध वासुकी और तक्षक नाग के साथ जोड़ा जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण साक्षात अनंत शेष नाग का रूप है, और वासुकी नाग, तक्षक नाग और शेष नाग तीनों ही आपस में भाई हैं, जिसमें तक्षक और वासुकी नाग पाताल में निवास करते हैं और शेष नाग बैकुंठ में भगवान विष्णु की सेवा करते हैं। तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण यानी शेषनाग और माता सीता के साथ अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं, तो क्या शेषनाग के दोनों भाई पाताल में से उनसे मिलने के लिए बार बार प्रकट हो रहे हैं? दोस्तों, ये रहस्य बहुत बड़ा है, क्योंकि अयोध्या के एक क्षेत्र से जब एक सांप को पकड़कर सुरक्षित इलाके में छोड़ा जाता है, तो वही सांप पुनः राम मंदिर परिसर में भी देखा जाता है, जिससे कई बार मजदूरों को भी काम करने में भय महसूस होता है। लेकिन जय श्री राम का नाम उन्हें हिम्मत देता है। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, 14वीं शताब्दी में जब भारत में मुगलों का शासन हुआ, तो श्री राम जन्मभूमि को नष्ट कर वहां बाबरी मस्जिद बना दी गई। 1525 में राम जन्मभूमि मंदिर को बाबर के सेनापति मीर बांकी ने ध्वस्त करवाया था। तीर्थ नगरी अयोध्या को सतयुग वैवस्वत मनु ने बसाया था। यही प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, जिसका जिक्र वाल्मीकि की रामायण में भी है। सालों तक चले राम राज्य के बाद जब श्री राम ने जल समाधि ले ली, तो अयोध्या नगरी सूनी हो गई। लेकिन अब अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर को लेकर दुनिया भर के राम भक्तों में उत्साह देखा जा रहा है। 22 जनवरी को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर हर कोई अपने तरीके से खुशी मना रहा है। कोई अपने सिर पर राम मंदिर का मॉडल लेकर घूम रहा है, तो कोई भंडारे लगाकर खुशी मना रहा है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में नाग देवता का अचानक प्रकट होना एक दिव्य चमत्कार से कम नहीं है। ये हिंदुओं के लिए एक सौभाग्य की बात है कि हमने एक ऐसे देश में जन्म लिया जहां स्वयं प्रभु श्री राम अवतरित हो रहे हैं। आपका इस बारे में क्या विचार है? अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साझा जरूर करें। दोस्तों, क्या रामायण सच में हुई थी या बस एक मनगढ़ंत कहानी है? इसके ऊपर कई चर्चाएं हो चुकी हैं। कई लोग इसे सच मानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे बस एक कहानी मानते हैं। आज की वीडियो रामायण को काल्पनिक मानने वाले लोगों को हिलाकर रख देगी। आज हम आपको वैज्ञानिक रिसर्च में कुछ ऐसे सबूत दिखाएंगे, जिन्हें देखने के बाद आप ये मानने को मजबूर हो जाएंगे कि रामायण बस एक धार्मिक किताब ही नहीं है, मनगढ़ंत कहानी ही नहीं है, बल्कि सच में भी थी। वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगे कि हमारे दिए हुए सबूत या वैज्ञानिक तथ्य
सही साबित हो रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग इसे मनगढ़ंत बताते हैं उनके मुंह पर ताला लग सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। रामायण भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। भारत में रामचरितमानस का पाठ पूरी आस्था के साथ होता है। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अधर्मी रावण को मारकर धर्म की स्थापना की थी। ज्यादातर लोगों का सवाल ये होता है कि क्या सच में भगवान राम धरती पर आए थे? क्या वास्तव में रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं थी? क्या हनुमान जी अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकते थे और आकाश में उड़ सकते थे? और इन सभी बातों की वजह से कई लोग रामायण को झूठ मानते हैं। मगर आज हम वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर ये सिद्ध कर देंगे कि रामायण में वर्णित कथाएं पूर्णतः सत्य हैं। नंबर एक, रामायण कालीन हवाई अड्डे। जितना हम रामायण को भारत में मानते हैं, उतना ही या फिर कहें तो उससे ज्यादा ही श्रीलंका में माना जाता है। और इसीलिए श्रीलंका में रामायण अनुसंधान टीम ने रावण के रामायण काल के 4 हवाई अड्डों को खोज निकालने का दावा किया है। पिछले 9 वर्षों से ये ऑर्गेनाइजेशन श्रीलंका के कोने कोने में छानबीन कर रही थी, जहाँ उन्हें कई अवशेष मिले। लेकिन 4 सालों में उन्हें लंका के दुर्गम स्थानों की खोज करने पर रावण के 4 हवाई अड्डे मिले। रामायण अनुसंधान टीम के अध्यक्ष अशोक कैंट का कहना है कि रामायण की लंका वास्तव में ही श्रीलंका ही है। यहाँ उसान गोड़ा, गुरुलोपाथा, तोतुपोलाकंदा और वरियापोला नाम के 4 हवाई अड्डे मिले हैं। रामायण अनुसंधान टीम का मानना है कि रावण अपने पुष्पक विमान यहीं पर रखता था और यहीं से उड़ाता था। ये बात सिद्ध करती है कि रावण के पास पुष्पक विमान थे, यानी कि रामायण सच में हुई थी। अब चलते हैं अपने दूसरे सबूत की तरफ, जो है रावण का महल। रामायण के अनुसार रावण सोने की लंका में रहा करता था, जिसे हनुमान जी ने जला दिया था। श्रीलंका की गवर्नमेंट को श्रीलंका में एक ऐसा महल मिला है और ये दावा किया है कि महल रामायण काल का ही है। इस महल से कई सीक्रेट रास्ते निकलते हैं, जो उस महल को शहर के अलग अलग जगहों से जोड़ते हैं। लेकिन जब रिसर्च टीम ने इन पर रिसर्च की तो पता चला कि ये गुफाएं नेचुरल नहीं है, बल्कि किसी ने बनाई है। श्रीलंका की हिस्ट्री के अनुसार रावण शहर के अलग अलग हिस्सों में अचानक से प्रकट हो जाता था और पलक झपकते ही उन हिस्सों से गायब होकर अपने महल में पहुंच जाया करता था। अब इतने बड़े एविडेंस को कोई कैसे नकार सकता है? नंबर 3, अशोक वाटिका के सबूत। रामायण के अनुसार रावण ने माता सीता का हरण करके उन्हें अशोक वाटिका में रखा था। ये जगह इतनी रहस्यमय थी कि हनुमान जी भी इसे आसानी से ढूंढ नहीं पाए थे। लेकिन हैरानी वाली बात ये है कि ये अशोक वाटिका आज भी मौजूद है श्रीलंका में, और इसका नाम आज सीता एलैया रखा गया है। यहाँ सीता माता का एक मंदिर भी है, जिसे विरांग टोंग कहते हैं। मगर यहाँ पर जिस बात ने सबसे ज्यादा चौंकाया, वो है यहाँ के मौजूद पेड़। रामायण ग्रंथ में इस बात का जिक्र मिलता है कि अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष बहुत ज्यादा थे, इसीलिए इसका नाम अशोक वाटिका रखा गया था, और ये पेड़ आज भी यहाँ मौजूद है। सबूत नंबर 4 है द्रोणगिरी पर्वत। रामायण में लिखा हुआ है कि युद्ध में जब मेघनाथ द्वारा लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तो उनकी जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी। तब हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणगिरी पर्वत भेजा गया। हनुमान जी को जब संजीवनी बूटी का पता नहीं चला, तो वो द्रोणगिरी पहाड़ के एक टुकड़े को ही उठाकर ले आए। मान्यता के अनुसार वो पहाड़ का टुकड़ा आज भी श्रीलंका में मौजूद है। वैज्ञानिकों के अनुसार उस पर्वत पर आज भी वो निशान मौजूद है, जहाँ से हनुमान जी ने उसे तोड़ा था, और इस बात का जिक्र रामायण में मिलता है। लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी देने के बाद हनुमान जी ने उस पहाड़ के टुकड़े टुकड़े करके श्रीलंका में फेंक दिया था। जहाँ उस पहाड़ के टुकड़े गिरे, वहाँ पर आज भी जड़ी बूटियाँ उगती हैं, जिनसे अलग अलग दवाइयाँ बनाई जाती हैं। श्रीलंका में हिमालय की जड़ी बूटी का मिलना इस बात का पर्याप्त सबूत है कि लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी देने वाली घटना संपूर्णतः सत्य है, क्योंकि ये जड़ी बूटियाँ और पौधे उसी स्थान पर मिले हैं जहाँ पर लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी देने का रामायण में जिक्र किया गया है। जबकि श्रीलंका के दूसरे हिस्सों में कहीं पर भी इस प्रकार की कोई जड़ी बूटी नहीं मिलती। हमारा अगला सबूत है राम सेतु।
रामायण सच में हुई थी इसका सबसे बड़ा प्रूफ है राम सेतु। राम सेतु को एडम ब्रिज भी कहा जाता है और इसके बारे में पक्का सबूत तब मिला जब नासा ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। ये पैसिफिक ओशन की तस्वीरों में कुछ ऐसा दिख रहा था जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। पैसिफिक ओशन के हिस्से में साफ तौर से पत्थरों की एक लाइन बनी हुई नजर आ रही थी। जब वैज्ञानिकों ने इस तस्वीर की और ज्यादा स्टडी की तो पता चला कि ये पत्थरों की लाइन भारत के धनुषकोडी से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक बनी हुई है और इसकी लंबाई करीब 30 किलोमीटर तक हो सकती है। पैसिफिक ओशियन के जिस हिस्से में वैज्ञानिकों को ये पत्थर का बना हुआ पुल मिला है ये वही जगह है जिसका जिक्र रामायण में मिलता है। लेकिन समय बीतने के साथ साथ ये पुल अपने असली स्वरूप को अब खो बैठा है। लेकिन नासा के वैज्ञानिकों ने ये साबित कर दिया है कि राम सेतु नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस फैक्ट को हम रामायण के एविडेंस के रूप में देख सकते हैं। हमारा अगला सबूत है सुग्रीव की गुफा। बाली के डर से सुग्रीव जिस गुफा में जाकर रुके थे वो गुफा आज भी मौजूद है। रामायण के अनुसार बाली ने दुंदुभि नामक राक्षस को मारकर उसका शरीर दूर फेंक दिया था। हवा में उड़ते हुए दुंदुभि के खून की कुछ बूंदे मातंग ऋषि के आश्रम के ऊपर आ गिरी। क्रोधित होकर ऋषि ने बाली को श्राप दिया कि कभी तुम इस पर्वत पर अगर दोबारा आओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जब बाली ने सुग्रीव को अपने राज्य से निकाल दिया तो वो इसी जगह पर आए थे क्योंकि वो जानते थे कि बाली यहाँ नहीं आ सकता। यहीं पर उनकी मुलाकात राम जी से हुई थी और बाद में राम जी ने बाली का वध किया था और फिर भगवान राम ने सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य सौंप दिया और वो गुफा आज भी वहीं पर मौजूद है। अब दोस्तों अयोध्या के बारे में अब हम आपको जो बातें बताने वाले हैं उसे सुनकर आप जरूर से चौंक जाएंगे। जी हाँ, अभी वैसे फिलहाल 22 जनवरी का टाइम आने वाला है और इसके बारे में तो पूरे भारतवासियों को कई समय से जानकारी है कि 22 जनवरी को रामलला की स्थापना होगी, किंतु इसी बीच में एक विषय काफी चर्चा में बना हुआ है। अभी अचानक से दोस्तों ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या नगरी में, अब इसको आप संयोग बोले या फिर कुछ और, भगवान श्री राम की जन्मभूमि में अचानक से गिद्धों का झुंड आ गया है। और सिर्फ गिद्ध नहीं बल्कि भालू, जिन्हें जामवन जी का प्रतीक माना जा रहा है। लेकिन सभी के मन में एक प्रश्न है कि कहां से आया विलुप्त गिद्धों का झुंड। मतलब इस वक्त अयोध्या में बड़ी संख्या में पहुंच चुके हैं गिद्ध, यानी कि जटायु। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। इसको भगवान श्री राम की कृपा कहे या कुछ और, पशु पक्षी सहित अयोध्या में जटायु आ गए हैं। ये निश्चिंत ही भगवान श्री राम का प्रभाव है। बचपन में इन गिद्धों को बड़े बड़े झुंड में खेतों और जंगलों में घूमते हुए देखा जाता था, किंतु आजकल इनकी जातियां निरंतर विलुप्त होती जा रही है। लेकिन अब फिर से आध्यात्मिक नगरी अयोध्या में इन गिद्धों को फिर से झुंड में देखकर खुशी की अनुभूति हो रही है। लगता है आध्यात्मिक नगरी अयोध्या में दिव्य शक्तियां भी बराबर अपना काम कर रही हैं। दोस्तों आपको बता दें कि भगवान श्री राम के अनन्य भक्त श्री गिद्धराज जटायु रहे हैं। गिद्ध, जिनके डैने बहुत ही विशाल होते हैं, जिनकी सोच बहुत खतरनाक होती है, इनकी आंखें बहुत दूर दूर तक देख सकती हैं। ये लकड़ियों से अपने घोंसले को बनाते हैं। ये पर्यावरण के मित्र होते हैं। ये बहुत ही ताकतवर भी होते हैं। दोस्तों अब इस वक्त वैश्विक स्तर पर लोग अयोध्या को देखने के लिए आतुर हो रहे हैं। इस वक्त गिद्धों का विशाल समूह अयोध्या के मिल्कीपुर में पहुंच चुका है। जानकारी के मुताबिक दर्जन भर गिद्धों के झुंड देखने को मिले हैं। भगवान राम अब महल में विराजमान होंगे। इस स्वागत समारोह में जटायु भी सम्मिलित होकर अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। दोस्तों अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को देखने के लिए जामवन जी और वानरों की सेना भी पहुंच चुकी है। जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि भगवान राम की सेना में असंख्य वानर शामिल थे और आज के समय में बंदरों को उसी वानर सेना का प्रतिरूप माना जाता है। यूं तो अयोध्या में बंदरों का जमावड़ा देखने को मिलता ही रहता है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में बंदरों का झुंड कहां से आ गया, ये तो सोचने वाली बात है। इस वीडियो में बताई गई घटना अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में नए वाक्य के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।